यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो आपका जेई मेन के पेपर में आया है, और ये देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आपको कहा जा रहा है कि इन द गिवन सर्किट डायग्राम, ये आपका सर्किट डायग्राम है जिसमें एक ईएमएफ है, एक रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, कैपेसिटेंस है आर वन एंड आर टू है, और जब करंट पहुंच जाता है स्टेडी स्टेट में, स्टैटिक स्टेट में, कांस्टेंट वैल्यू पे जब करंट पहुंच जाती है इस सर्किट में, तो हमें बताना है कि इस कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज होगा, राइट? हमारे को ये बताना है। इसमें जो की पॉइंट है वो समझिए। सबसे पहली बात ये कि कैपेसिटर पे चार्ज हम लोग कैसे निकालते हैं, Q इक्वल टू सी वी से, वेयर वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस across that capacitor, see the capacitance of that capacitor, तो हमारे को यहाँ पे static state में या steady state में इसके across का potential difference निकालना है, right? V इसके across निकालना है। एक तो ये बात हुई, तो Q equal to CV, V निकल गया तो हमारा काम बन गया। अब next अब देखिए यहाँ पे actually क्या होगी बात यहाँ पे कि भाई यदि आप potential difference निकालना चाहते हैं, वो भी कब निकालना चाहते हैं, जब current के लिए constant reach कर जाए, static state steady state में पहुंच जाए, तब इस स्टेट में क्या होता है कि कैपेसिटर से कोई भी करंट पास नहीं करता है, कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाता है, और कैपेसिटर एक ब्रेकिंग सर्किट की तरह काम करता है। तो यहां पे हम लोग इस सर्किट को स्टैटिक स्टेट में या स्टेडी स्टेट में ऐसे कन्वर्ट कर देंगे, कैपेसिटर को जस्ट मैं मेंटली रिमूव कर दूंगा, और ये प्लस पे है और ये माइनस पे रहेगा, तो यहां से करंट आई चल रही है, यहां आ गई, इधर नहीं जाएगी कोई भी करंट, और ऐसे करके ये करंट निकल जाएगी। ध्यान दीजिए बात को, ये कब, जब कांस्टेंट वैल्यू स्टैटिक स्टेट जब पहुंच जाए तब ऐसा होगा, तब इस कैपेसिटर से होकर कोई भी करंट नहीं पास करेगा। ये मेन की पॉइंट है इस प्रॉब्लम का, राइट? अब मेरे को यदि करंट आई पता चल जाए तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, क्योंकि इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो इसके अक्रॉस होगा, क्योंकि इससे होकर कोई करंट पास नहीं कर रही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेसिस्टर, या हम लोग कह पाए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस वन, विल बी द सेम एज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर। इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना काफी आसान है एज कंपेयर टू दिस वन, इसे भी निकाल सकते हैं, इसके अक्रॉस भी निकाल सकते हैं, बट इसके अक्रॉस सीधी सी बात है पोटेंशियल डिफरेंस आई आर टू हो जाएगा। IR2, I की वैल्यू कितनी होगी, इसमें आप KVL लगा दीजिए, आपको बहुत ही स्टैंडर्ड है, KVL लगाएंगे E-IR-IR2 will be equal to 0, that means I will come out E upon R plus R2। अब बिना KVL लगाए भी कर सकते हैं कि भाई कि ये एक बैटरी की है जिसकी EMF E है, तो करंट I की वैल्यू जो होगी सिंपल सी बात है इस सर्किट में E upon R plus R2 हो जाएगा, तो I की जगह E upon R plus R2 प्लेस कर दिया, तो E upon R plus R2 into R2, that's the potential difference across the capacitor, and hence charge on the capacitor will be equal to C into V, V के लिए यहाँ पे प्लेस कीजिए, Q की वैल्यू ये आ गई, that way the correct answer will be 2। इस तरीके से यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर 2 होएगा। तो ये एक प्रॉब्लम कहूंगा कि डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है, और बहुत ही ज्यादा आसान भी प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं मिडिल लेवल पे इसलिए रखूंगा क्योंकि मेन दो की कॉन्सेप्ट की यूज हो रही है, और सबसे ज्यादा की कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि कैपेसिटर जब कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा तो उसके थ्रू कोई भी यहाँ पे उस कैपेसिटर एक ब्रेकिंग सर्किट की तरह जनरली काम करता है, ऐसा हम लोग लेके चल देते हैं, और उसके थ्रू कोई भी करंट पास नहीं करता है जब हम लोग डीसी सोर्स को लेके बात करते हैं, राइट? तो इस तरीके से हमने ये प्रॉब्लम को डिस्कस किया। मिडिल लेवल के प्रॉब्लम इसे डाल सकता हूं, और लोअर मिडिल लेवल भी कर सकते हैं इसे, राइट? तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम को मैंने डिस्कस किया है। अब आगे और भी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा हूं मैं।